क्रांति स्थल है। जब भी कहीं क्रांति की बात आती है तो महाराजा सूरजमल का नाम आता है, भरतपुर का नाम आता है। दिल्ली में भी आंदोलन चला तो भरतपुर का नाम जरूर आता रहा। यहाँ के लोग गए, यहाँ के किसान गए, यहाँ के दुकानदार गए, और खास करके जो युवा वर्ग गया उसने दिल्ली के आंदोलन से सीखा और महाराजा सूरजमल से सीखना चाहिए। यहाँ पे आज किले पे आए हैं हम, और ये क्रांति की मसाल है जो दिल्ली में जली देखा। और ये तो युद्ध है किस्म के होते रहे, तो किसान वहाँ पे एक समझौता हुआ भारत सरकार से, जो दिल्ली ने कानून बनाए थे उनको वापसी दिया, एक समझौता हुआ। और प्रेरणा स्रोत हमारे सब के महाराजा सूरजमल रहे हैं, बहुत से युद्ध इन्होंने लड़े। उस टाइम पे युद्ध तलवार और भालू का और उसका होता था, आज युद्ध सत्याग्रह का होता है, है ये भी युद्ध, तो जीत हुई है किसान की। और हम चुनाव भी चल रहे हैं विधानसभा के, हाँ चुनाव तो चलते रहे, तो 5 साल में एक बार आवे हैं भाई। चुनाव तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, कलयुग की प्रक्रिया है। चुनाव रणनीति ठीक है हमारी किसानों की, ये किसान बिना चुनाव के ठीक है, सड़क वाला चुनाव इसके लिए ठीक है भाई। एक ही दिन में दोनों बड़े सदनों से, ये इतिहास में पहली बार यहाँ के पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं है, सारी पार्लियामेंट विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सब एक ही दिन में पास कर रही है, तो सब चुनाव क्या होगा भैया? नेता तो लोकसभा में जितने जा रहे हैं सारे अपने ही तो है, वे आपका फ्री में काम कर रहे हैं, सब बढ़िया कोई है? आवाज तो उठाई ना, एक ही दिन में उठाई ना, दोनों सदनों में एक दिन में आवाज उठी, इससे बढ़िया क्या चाह। ना चुनाव लड़ने की जरूरत, ना हार जीत का सवाल है, ना अखबार में विज्ञापन देने का सवाल है। किसी मोर्चे के लोगों ने अखबार में विज्ञापन दिया, एक साल तक प्रेस वालों का धन्यवाद है कि उन्होंने हर रोज खबरें दिखाई, तो धन्यवाद है पूरी प्रेस का। मतलब किसानों को किंग नहीं, किंग मेकर बन रहा ना, किंग मेकर बन रहा। आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए, आंदोलनकारी, और आंदोलन देश में मजबूत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। चलो।